फिल्म गोरी तेरे प्यार में के प्रमोशन के दौरान करीना कपूर ने अपनी फिल्म के डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा का एक बहुत बड़ा सीक्रेट मीडिया के सामने रिवील कर दिया था, जिससे पुनीत भी काफी एम्बैरेस्ड हो गए थे। सर, आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपने धरती की कि 4 दिन गाने के आपने 400 दिन लगाए? क्यों 4 दिन के 400 दिन कैसे लगा सकते आप? निशा के इतने बड़े फैन हैं सर। जी हाँ, करीना ने बताया था कैसे पुनीत ने फिल्म के एक सॉन्ग जिसमें ईशा गुप्ता नजर आ रही है, इस सॉन्ग की शूटिंग में काफी वक्त लगाया। साथ ही करीना ने यहाँ ये तक कहा कि पुनीत ईशा के बड़े फैन हैं। सर, आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपने धरती की कि 4 दिन गाने के आपने 400 दिन लगाए? क्यों 4 दिन के 400 दिन कैसे लगा सकते आप? ईशा के इतने बड़े फैन हैं सर। वेल, करीना के इस बड़े खुलासे के बाद जूम मिलने पहुंचा एक्ट्रेस ईशा गुप्ता से और हमने जानने की कोशिश की कि क्या सच में पुनीत ने इस सॉन्ग की शूटिंग में ज्यादा वक्त लगाया। 4 घंटे? 4 घंटे का तो नहीं, 4 दिन का शूट था वो। 400 दिन तो खैर अभी सॉन्ग को शूट हुए नहीं हुए, बट हाँ वो मैंने सेट पे भी बहुत मजाक सुना था, क्योंकि एंड मोमेंट पे हुआ था कि इन्होंने पहले फिल्म के लिए डिसाइड किया था सॉन्ग के लिए कि किसी को नहीं लेंगे, मॉडल्स के साथ शूट करेंगे, और एकदम एंड टाइम पे फिर मुझे बुलाया गया और गाने की शूट हुई। तो तब से ये मैंने भी सुना है सेट पे, ये जोक चल रहा है कि अच्छा स्पेशली मुझे बुलाया गया, बट ऐसा नहीं है। पहले मुझे कॉन्टैक्ट किया गया था उस गाने के लिए और फिर उसके बाद दे डिसाइडेड टू गो विद मॉडल्स, देन दे कॉल मी अगेन, बट वेल, पुनीत की तरह ईशा ने भी करीना के इस खुलासे को मजाक का नाम दे दिया है। ईशा का भी साफ कहना है कि सेट पर इस तरह के मजाक चल रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। वेल, चलिए ईशा, हम आपकी इस बात को मान लेते हैं। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई।